आप बदाय मां जे परमात्मा विराजमान छे ए बदाय ने अभिवंदन करी ने आज नो आपने स्वाध्याय शुरू करी अत्यारे कॉस्मोपॉलिटन छे आज भी तो आज नो प्रवचन स्वाध्याय हिंदी में रखिए के गुजराती में ये जरा जानी लो तुम्हारा तो हिंदी में रखिए हिंदी के तो मैं क्या बोल रहा हूं हिंदी 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 वाली बोल रहे पहली बात तो ये है कि ये मानव जन्म क्यों मिला है पूछो संसार में कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक विचार है कि ये काम मैं क्यों शुरू करता हूं दुकान शुरू करनी है धंधा शुरू करना है कहीं गांव जाना है तो आपको पता है कि ध्येय है इसके लिए मैं ये कदम उठा रहा हूं सब बातों में आप पूछते हैं कि किस दिशा में जाने के लिए मैं कदम उठाता हूं बिजनेस के लिए गांव जाने के लिए सबके लिए हम पूछते हैं डेस्टिनेशन एक मानव जन्म में एक ही ऐसा है कि हमने जन्म क्यों लिया है और इस जन्म में क्या पाना है इसके लिए हम सोचते नहीं क्या क्या बात है देखो ये सारा जन्म 50, 60, 70 ऐसी 90 सारा जन्म हम खर्च देते हैं हमें पता नहीं कि किस दिशा में जाना है कहां जाना है भाइयों सोचने की बात है आप सब कुछ प्राप्त करोगे मकान बनाना है धंधा करना है काम जाना है सबके लिए प्लानिंग है सबके लिए दिशा है जिसके लिए रिजर्वेशन है पहले से टिकट लेके करते हैं और यहां से निकल गए आ जाओगे ना हमको पता है ना हमारे परिवार को पता है कि हमारे बाप कहां चलेंगे हमारा दादा कहां चलेंगे मेरी मां कहां चलेगी और मैं कहां जाऊंगा जीवन का धर्म का प्रारंभ इस क्षण से होता है कि जब आप आपको पूछते हो कि मानव जन्म क्यों मिला है ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलेगा संसार में अब जो रुपया दे दो सारी संपत्ति दे दो मानव जन्म नहीं मिले मानव जन्म नहीं 84 लाख की प्रदक्षिणा करते करते ये मानव जन्म मिला है एक गुजराती में कवि ने लिखा बकुल भाई ने कि हूं महाराज अरे हूं जो मुसाफिर हूं महाराज ने भुज मुसाफिर डगले डगले डेरा परम धाम ने पापा माटे 84 लाख फेरा हूं मारे अंदर जवानू छे बाहर जवानू नहीं कारण के परम आत्मा छे ये परमात्मा छे एक मोहनलाल धर्मचंद गांधी एक सौराष्ट्र में जन्मे एक मानस अरे ए सारू जीवन जीव्या सद्गुणो ने उतार्या अहिंसा ने सत्य ने एने जीवन नी बे पाखो बनावी तो वो क्या हो गए महात्मा गांधी महात्मा क्या है अपग्रेड एक अपग्रेड हो गए
आत्मा में से महात्मा। ये दो पाक है, अहिंसा और सत्य। गांधी जी के जीवन में दो बात थे, एक अहिंसा थी और दूसरा सत्य था। उन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा और अहिंसा उनके वचनों में, उनके चिंतन में और उनके आचरण में थी, मन वचन काया में। अगर भाई मोहनलाल करमचंद गांधी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें? ऐसा मानव जन्म फिर मिला है, कब करोगे भाई? सब बात आज करते हैं, धर्म की बात कल के लिए करते हैं। तो इसलिए सोचने की बात है कि हमको यहां से कहां जाना है। आप नक्की कर लो तो जीवन एक ध्येयात्मक हो जाएगा। हमारा ध्येय है कि मैं सब कुछ करूंगा पर मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि जिससे किसी में हिस्सा हो। मैं ऐसा काम नहीं करूं कि जिसे मुझे झूठा बोलना पड़े। कम से कम ये दो बात वो करते थे तो वो महात्मा बन गए। और सारे कर्म सब जला देते हैं तो वो आत्मा ही हो जाता है महात्मा, और महात्मा में से हो जाता है परमात्मा। परमात्मा और कुछ नहीं है, यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ। और पार नहीं है, हम पार भगवान को देखते हैं, कभी नहीं मिलेगा। भीतर जाओ और प्रत्येक शब्द का विचार करो कि मैं क्या सोच रहा हूं। आपके मगज में, दिमाग में खराब विचार आए क्यों? और क्या करते हैं उनकी चिंता करके, उनकी बात करके अपने समय और अपनी भाषा को हम क्यों नष्ट करते? जब आपको पता लग जाएगा कि मेरा समय बहुत कीमती है, समय मपी मा पमाए गोए मा, उत्तराधन सूत्र ये भगवान महावीर का अंतिम उपदेश है। और मैं आपको सबको विनती करता हूं कि उत्तराधन सूत्र इंग्लिश में हो गया है, हिंदी में हो गया है, गुजराती में भी हो गया है, वो आप उत्तराध्यायन भगवान महावीर ने अंतिम जो देशना दी वो उत्तराध्यायन सूत्र में, उत्तर अध्याय आखिरी, उसमें कोई बात नहीं संप्रदाय नहीं, कोई बात नहीं, आत्मा की बात की है। तो उस उत्तराध्यायन सूत्र ने अंदर बता दिया कि समय मापी माप हमारे गोए मा, हे गौतम एक समय का भी प्रमाद मत करो, आपकी मिनट मिनट काम नहीं है। दुनिया में बहुत लोग आते थे तो मिलने को आते, वो कहते हैं यू हैव टू पे फॉर माय टाइम। एक डॉक्टर है, एक वकील है, ही चार्जिंग फॉर योर टाइम। हम अपना समय कैसे गप्पा मारने में, बाता करने में, निंदा करने में, इधर उधर की बातें करने में जिंदगी पूरी हो जाती है। 50, 60, 70, 80 बरस जी करके उसने क्या पाया? मित्रों आज सोचने का दिन आया और आपको जो पता लग जाएगा कि मैं मेरा समय किसी बेकार बातों में नष्ट नहीं करूंगा, जिसमें मेरे आत्मा का कल्याण हो, हमारी बातों में कोई खुशबू हो, कोई चिंतन हो, कोई प्रकाश हो, कोई आनंद हो, बस ऐसी बात निकले तो हमारा जीवन सब चिद आनंद हो जाएगा। सब यानी मैं हूं, आपको ये पता लग जाए कि मैं मरने वाला नहीं हूं, आपको ये पता लग जाए। आप तो जो जरा जरा होते ने क्या ठोकर लगती है, अरे मां के मरी क्यों? मरता तो शरीर है,
हम कैसे मरेंगे? जो ये बल्ब फूट जाता है उसका जो करंट है वो नहीं जाता, दूसरा बल्ब लगाओ तो फिर करंट चालू हो गया। ये बल्ब बदलते रहते हैं। हम कौन है वो करंट है, रियलाइजेशन हु यू आर। यू आर नॉट ए फॉर्म, यू आर फॉर्मलेस, यू आर नॉट सॉकेट, यू आर नॉट बल्ब, ये सब हम नहीं है, वी आर द करंट। यू कैन नॉट टच द करंट, यू कैन टच बल्ब, सॉकेट और एनीथिंग, उस सबको आप स्पर्श कर सकते हो, करंट को कोई नहीं छीन सकता है। करंट को छीएगा तो शॉक बन जाएगा, क्योंकि वो जीवंत शक्ति है। तो हमारे में एक करंट है, हमें शरीर नहीं, ये नाम नहीं, एक करंट है। लोग नाम के लिए लाख रुपया दे देते हैं कि हमारा नाम याद रहा। अरे भाई तू मर गया तो नाम का करेगा क्या? लोग कहते हैं कि नाम ना माटे करो। अरे मैं तू पोते मरी जैसे पीछे नाम तो शू कर से कौन बात से, खुद के लिए करो। खुद को जान लो कि मैं मानव जीवन को सार्थक करके जाऊंगा, विदा समय आ जाएगा कि नहीं, नाउ आई मेड माई लाइफ। आप किसी को खुश नहीं करना है, कब को खुशी करो। अब सकियो आत्मा को ध्यान में रखे के हमारी विदाई यात्रा आनंदमय हो, बस मैं नाराज न हो, पश्चाताप करने का कोई समय ना आवे, और पश्चाताप करना पड़े ऐसा काम भी नहीं करे। इसके लिए और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है। मेरे को जब युवान था तो जरा शिखर खाने की आदत थी, शिखर हमको बड़ा पसंद था। तो हम जो साधु वेश में थे तो उस समय में श्रावक भी थोड़े जान जाते थे क्या साहब ने शिखर भावे, तो कहीं भी शिखर होता तो हमको बुलाते, हम जाते थे। तो दूध का घी का मक्खन का इसका जरा स्वाद लग गया, वो खाकर के हमारा शरीर भी बहुत मोटा हो गया था। जिन्होंने देखा होगा चित्र बानु को, वो बारा कितना अच्छा थे, अभी कहते कि तुम दुबला हो गए, सीकर खाते थे। पर 1980 में सैन डिएगो में बैठा बैठा ध्यान करता था, आई टुक 17 दिन ध्यान करने के लिए, हम साधना के लिए, और प्रमोदा बहन और हमारी ध्यान रखते थे, बस ध्यान दिया थे भाई आज यहाँ से जो हमारा जाना हो तो हम क्या जाएंगे, हमको पता तो नहीं कि कहाँ जाएंगे। तो वहां 17 दिन रहे थे सैन डिएगो में, दरिया का किनारा है और टाइम शेयरिंग की बिल्डिंग है। टाइम शेयरिंग रहते 12 करोड़पति एकत्रित होते हैं, एक एक महीना दे करके बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत बड़ा कीमती मकान बनाते हैं, एक एक महीना उनका रहता है। तो टाइम शेयरिंग में हम थे, वहां प्रभात का समय, चा का समय हुआ, चा आने का था, उस दिन दूध आया नहीं। तो हमने क्या करे भाई, दूध आया नहीं, चा नहीं बने, क्या करे, इधर उधर देखने लगे। बाद में बहुत देर से वो दूध वाला आया, उसने दूध, वो जो मुझे समय मिला उस समय में सोचने लगा, कर विचार तो पाऊं, विचार करो तो पाओगे, और नहीं कर विचार तो पाऊं, तू सोचेगा तो तुझे पाएगा, सोचे बिना मत करो, जो कुछ काम करो सोच के करो,
समझ के करो, जान के करो, तो सत्य आपका बन जाएगा। डोंट गो ऑन मोटिव, और क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उससे तुमको क्या, हम क्या कहते हैं वो बात बताओ। तो बस वो बराबर समय में वो दूध आया, तो मैंने सोचा कि दूध कहां से आया है, तो इस वजह से दूध कहां से आया। मैंने कहा ये दूध तो बछड़े के लिए आता है और मैं कोई बछड़ा नहीं हूं, तो मैं ये जो दूध पी लेता तो बछड़ा क्या जाएगा। बस सोचने लगा, धीरे धीरे सोचो जाओ, खूब भीतर में जाओ। और वो सोचते सोचते मैंने कहा कि दूध आता है बच्चे के लिए ही आता है, किसके लिए, बच्चे के लिए। जब तक मां गर्भवती नहीं होती है तब तक उसके शरीर में कहीं भी दूध नहीं, कोई साइंस, कोई केमिकल, कोई डॉक्टर, कोई भी दूध नहीं ला सकेगा। जब कोई भी मादा गर्भवती होती है, गाय हो, बकरी हो और स्त्री हो, कोई भी जब गर्भवती होती है तो उसका जो खून है वो खून का प्रेम के लिए, वात्सल्य के लिए हार्मोन से रंग बदल जाता है, लाल रंग का सफेद हो जाता है, क्योंकि उसका वात्सल्य है। वो मां सोचती है कि मेरे बच्चे को मैं क्या दूंगी, और दूध कब आएगा, 9 महीने के बाद वो दूध आता है, वो बच्चा पीता है, क्योंकि उसके पास दांत नहीं, पसाय है। कुदरत में हमारे लिए व्यवस्था बराबर है। वो दूध कब तक आता रहता है आपको मालूम है ना, कब तक आता है, दांत नहीं आते बराबर, जब तक दांत नहीं आता है तब तक वो दूध आता है, दांत आते ही दूध बंद हो जाता है। 3 बरस का बच्चा कहेगा कि मां मुझे दूध चाहिए, मैं कहा आई एम यूज्ड टू मिल्क, मां के बेटा मैं क्या करूं, या तो खून है या दूध नहीं है। दूध बच्चे के लिए ही आता है, दूध बच्चा हो जाता है, बिट जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं कहा बच्चा हूं, अगर मैं जो ले जाता हूं तो एक बच्चा कहां जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, ये अदत्ता दान है, उसका माल मैंने ले लिया, और ये लेने के लिए आजकल क्या करते हैं कि बछड़े को जन्म के साथ उठा के ले जाते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि आप जो आपके वहां दूध आता है, वो हमारा दूध जो आता है, वो उसका जो बच्चा है उसको फजर को 5 बजे कसाई आके ले जाते हैं, क्योंकि आज बछड़े को रखेगा न, खेती है न, बैलगाड़ी है, जो बैल है उसको रखे कहां। खेडूत में बेचारे रोते हैं, उनको वो बच्चा देना पसंद नहीं है, पर करे क्या। और एक अमूल वाले, डेयरी वाले उसके ट्रक लेके जाते हैं, एक गांव में 10 गाय का है, उसका दूध लेके एकत्रित करके हमारे टेबल पर आता है। पर आप जानना है कि वो दूध वो बछड़े का है, हमने ले लिया है, और हम दूध पीते हैं बछड़ा मरने को जाता है। अदत्तादान, किसी का माल है हमने ले लिया इस शरीर को पोषण करने के लिए, अरे इसको जितना भी घी खिलाओ, माल खिलाओ, पर इसको तो जलाया जाता है। पर उसने जो कर्ण बंधन किए वो हमारे साथ आएंगे। तो जैन धर्म में महावीर ने एक ही बात कहा कि त्याग करो, बस जो कुछ अहिंसा
ये याने त्याग कर मैं किसी बात की हिंसा नहीं करूंगा, मेरे जीवन में बस किसी को सताए बिना दुनिया में से चले जाना है, जाना है। रोज रोज कहते हैं आप कहीं भी मिलने को जाओ ना कि मैं मारे जाऊं, आधा घंटा हो जाए नहीं कि मैं मारे जाऊं। आपके वहां कोई अतिथि आता है दो दिन रहता है तो हम कहते हैं कि नहीं भाई मुझे जाना है, जाना है, जाना है। दिन में 10 वक्त हम कहते हैं जाना है, हमको जाना ही है, हम रहना बने नहीं। बार बार जब होता है काम हो गया आरंभ हो गया तो क्या हमको जाना है, तो हम जाने वाले हैं तो आनंद करो, आनंद यात्रा बनी जाए। मैं तो समझता हूं कि मानव जीवन जैसा आनंद करने का समय संसार में कोई नहीं है, अपूर्व आनंद करो क्योंकि आप जीते हो औरों को जिलाते हो। जियो भाई, हम जिएंगे, लिव एंड हैव द नेक्स्ट डे, और जो जितना है तो आनंद करो। फजर को उठो, मन में संकल्प करो कि आज का दिन मैं डिपॉजिट करूंगा, आई लिव फॉर द डे। अभी एक एक बहुत पहले एक छोटी छोटी किताब है, बहुत अच्छी है, उसमें एक कविता मैंने देखी कि हैयामा हैयामा प्रीत, हैयामा प्रीत अने गड़ामा गीत मैत्री भाव, हैयामा प्रीत गड़ामा गीत अने मुख पर स्मित अने सौना बनो मीत आछे जीवानी रीत। केवी सादी बात छे, नानकडी बात। अय्यामा प्रेम राखो, बस प्रेम, बताने प्रेम, बताने। हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारी जो कोई निंदा करता है वो भी उसकी भाषा में करता है, हमारा क्या गे? हम खराब है नहीं, तो कोई कहे तो क्यों मान देते हैं, पर हम क्या कहते हैं कि उस आदमी ने मेरी निंदा की, क्या की, तो सब लंबाड़ से कहते हैं कि ऐसा कहा ऐसा कहा, हम उसकी बात ले लेकर के अपने को झूठा बना देते। कोई बोले तो बोलने दो, क्या बात है। मैंने हमारे बाकी अमेरिकन जो विद्यार्थी आज 6 मिलियन लोग वीगन हो गए हैं, तो उनके लिए मैंने बताया है कि दो द फ्लेम ऑफ एंगर, दो द फ्लेम ऑफ एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड अदर, इन रियलिटी द एंग्री पर्सन इज कंज्यूम्ड बाय हिज ओन एंगर। दो द एंग फ्लेम ऑफ द एंगर, जो क्रोध की जो ज्वाला आती है ना तो हमारे आंख लाल हो जाती है, शब्द तीखे बन जाते हैं, खून का और चेहरे का रंग बदल जाता है, उस समय में कोई आपका फोटा ले तो आपको पसंद नहीं आता है क्योंकि आप खुद हो नहीं, आप विकृत हो गए। क्रोध, दो द फ्लेम ऑफ एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड अदर, इन रियालिटी द एंग्री पर्सन हु इज कंज्यूम्ड बाय हिज ओन एंगर, सच में तो वो एंग्री आदमी वो अपने को जला रहा है, वो हमको कुछ नहीं कर सकता, वो खुद को जलाता है। खराब बोलने वाला आदमी खराब अपने को करता है, हमारा कुछ करने वाला नहीं है। आप बराबर सोचो तो कभी किसी के ऊपर आप गर्व नहीं होंगे, अरे रे के बेचारा मेरे निमित्त से वो ऐसा कर्म मांग रहा है, उसके ऊपर दया खाने की बात है। खुद को जलाता है, खुद की भाषा बिगाड़ता है, खुद के निरोल को बिगाड़ता है, उस समय में उसके प्रियजन भी उसको प्रिय लगते नहीं है,
उस समय में कोई उसके कहे के चलो काका अबे तुम्हें अबे गर्म बहुत थी गया जो आ दही बड़ा से खाई जाओ अरे के दांत ने छुड़ा हुआ करना तो कुछ कुछ भाई दही बड़ा तो बहुत पसंद है पर इस तो उस समय में क्रोध में आपको पसंद नहीं है। हम अपने को कितना परेशान करते हैं जानते नहीं। रात क्रोध रात घर में हम अपने को बहुत गुस्सा किया। धर्म का नाम यही है कि धर्म का जो संक्षेप में सच्चा अर्थ में कहा है भगवती सूत्र में लिखा है कि वत्तु सहावो धम्मो। धर्म किसका नाम कि आपके आत्मा का जो स्वभाव है वो धर्म है। धर्म ये संप्रदाय नहीं, धर्म ये मान्यता नहीं, धर्म और मेरा तेरा नहीं। वस्तु वस्तु का जो स्वभाव वो उसका धर्म है। पानी का धर्म क्या है कि ठंडा है। पानी आप गर्म करो उबलता है गर्म हो जाता है। उस पानी को उठा करके आप नीचे रख दो आधे घंटे में देखोगे वो पानी फिर ठंडा हो जाए। ऐसा जो खुद का जो स्वभाव है वही अपना धर्म है। और आपका भी स्वभाव क्या है मिट्टी में सब भूए सो सारे जगत का भला हो। जब आप और को मित्र बनाते हो आप आपके मित्र बन जाते हो। मित्रों आप आपके मित्र आज से बन जाओ। और कुछ आई बिकम माई ओन फ्रेंड I will not hurt myself with my thoughts, with my word, with my action. खुद के मित्र में मिट्टी में सब हुए। आपका भीतर का गुरु जाग जाएगा। कोई कहेगा कि कहाँ जाएगा क्योंकि आदमी अकेला है वहां गुरु भी नहीं होता है कोई भी नहीं होता है खुद होता है। खुद को जाने उसी का नाम है खुदा। एक अलकवि ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि जमाने में उसने बड़ी बात कर दी जमाने में उसने बड़ी बात कर दी खुद अपने से जिसने मुलाकात कर दी। जमाने में उसने बड़ी बात कर दी खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। अपने को जान लो कि मैं कौन। आप कभी बैठ कर के पितर से बात की है कि भाई अंदर तू कौन बैठा है जिससे आंख से देख सकते हो कान से सुन सकते हो नाक से सुगंध ले सकते हो चलते हो पढ़ते हो इस सब को चलाने वाला कौन है। ये सारा मशीन उसका जो सेंटर एंजिन एनर्जी वो क्या है। ध्यान उसी का नाम है कि आप बैठ करके जाओ कि मैं कौन हूं। को हम मैं कौन हूं तब लगेगा कि सो हम भगवान तुम हो वो मैं भी हूं। कोई को हम सो हम शरीर तो ना हो ये शरीर ये मैं नहीं हूं मैं तो इस शरीर में रहने वाला हूं। गीता में एक अच्छा श्लोक आता है पाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विर्णाय नन्यानि शब्दाति देवाहि देहि। जैसे पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े को लेते हो ऐसे हमारा समय पूरा हो जाता है कि पुराने कपड़े को छोड़ करके नए कपड़े जाते हैं। अब तो मृत्यु का डर ही नहीं है क्योंकि ये कपड़ा बहुत चला 90 वर्ष 91 तक चला चलो
आप क्या अब पुराना हो गया छोड़ दिया नया आ जाएगा, क्योंकि हमने जो जीवन किया है उसी का परिणाम हमको मिलने वाला है। आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया है वही आपका बैंक बैलेंस है, तो आप तो जानते हो कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे बाप डाड़े आप वहां डाड़े बाप बाप डाड़े अब जानता है कि मैंने क्या किया, अब मैं नहीं करूंगा, पश्चात आप नहीं बदल जाना है। बहुत लोग पश्चाताप करते रहते हैं, रोज करूं छू पाप ने हूं रोज करूं पछतावो, रोज करूं छू पाप ने हूं रोज करूं पछतावो, बदले नहीं रोज पश्चाताप करता रहता है कि वो आप करूं तब करूं, तो वह छोड़ी देने भाई छोड़ दे की ताकत इंद्र से आ जाए कि ये नहीं करना है नहीं करना है। तो जिस दिन मैंने वो दूध वो सोचा कि दूध बछड़े का है मेरा नहीं, छूट गया छोड़ा नहीं छूट जाता है। एक संत चाले जाते थे रास्ते में, एक लाल वो एक स्टोन पड़ा था और लाल जो हीरा है उसको क्या कहते रूबी। तो वो संत ने देखा कि क्या है, वो डेरे को गया पर किसी आदमी ने पान खाया था, पान खा के थूका था वो पड़ा था, वो हाथ आने को गया तो हाथ पे थूक आया। संत ने सोचा कि मैं वहां हाथ देने को गया क्यों, तो हाथ में सब ये पान का गफा आया। तो हम संसार की बेकार वस्तुओं को लेते हैं और हम कहते कहते अपने को जो कुछ लेना है वो लो, सोच के लो हमारे पास बहुत अच्छा मशीन है मन वचन ने पाया, आप चाहो से कर सकते हो, इस शरीर से जो करना चाहते हो आप आपके खुद हो। तो आज अपने के स्वाध्याय से आज आपसे हमकी यही विनती है कि खुद को समझो, वो हो रोज पूछो, भगवान को जाके मत करो कि भगवान तुम हमारा तारो, भगवान के मैं क्या करूं, पाप तू करे तू बीड़ी पिए तू पान परा खाए भगवान सुखे। गीता मां बताए लोगों कह के मां में कम कृष्णम शरण मां में कम शरणम रज, पर आपने पांचवा अध्याय का आई थिंक छठा अध्याय का अपने श्लोक उसमें भगवान ने कह दिया कि भाई मैं तो थक गया अब हम अवतार अवतार लेंगे नहीं, कितना दर्शी अवतार या रक्षण भगवान ने 24 अवतार दिया, अब भगवान ने कह दिया कि अब मैं नहीं आने वाला, तो रुक के हम क्या करें। तो गीता में उन्होंने रास्ता बता दिया क्या रास्ता बताया किसको याद है, उत्तरे आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादये आत्मनैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। छठा अध्याय का ये पांचवा श्लोक है, उत्तरे आत्मनात्मानम तेरा उद्धार तू कर, क्योंकि अवतार के ऊपर तो बैठ बैठ के पाप करता रहता है और मुझे जन्म लेना पड़ता है, भगवान के नहीं अब थक गया आई एम टायर्ड ऑफ यू,
आपकी कमाई ऊपर बैठा मजा करता है। उद्धरे आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादे, हम अपने को नुकसान न करें। आत्मनैव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपु आत्मना, तो तुम खुद के शत्रु तुम्हें ही, हम हमारे शत्रु न बने। और आज का जो स्वाध्याय, आज का जो स्वाध्याय आप ऐसा करो, अपने पास बैठ के आज से जीवन का एक रंग बदल जाए और मेरी आराधना के लिए किसी को नुकसान नहीं करूंगा। जाकर लोग फूल तोड़ते हैं, तोड़ जाके भगवान के ऊपर डालते हैं, अरे फूल भी एक सुंदर जीव है, वो वृक्ष के ऊपर खिलता है, कितना सौंदर्य है, कितनी खुशबू है, कितनी कोमलता है, उस फूल को तोड़ने का तुम्हारा जान कैसे जाता है। हम कितने कठोर बन जाते हैं कि फूल को तोड़ के भगवान के ऊपर लगा। ऐसे ऐसे बहुत बड़े तीर्थ हैं कि जहां फूल चढ़ाते हैं, कच्छ ला के जाते हैं, एक गया और लाएगा। और कितने अज्ञानी लोग तो एक बछड़े का दूध, बच्चों का दूध भगवान के ऊपर दूध से स्नान कराते, ये दूध किसका है, बच्चे का है। और ये इसको जब दूध लेते हो तो बछड़े को मरना पड़ता है और माँ को रोना पड़ता है, क्योंकि वो 9 महीने के लिए, वो बच्चे को आने के लिए उसने अपने खून का ये दूध बनाया है। मिल्क इज नॉट वेजिटेरियन, इट इज नॉट ग्रोइंग, इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लड। इसीलिए महापुरुषों ने अमीन में विगे क्या किया, जितना ओडी करने वाले वर्धमान तब की और अमीन है, कोई भी काम करना है आप अमीन करके करो, काम मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि उस दिन आप देरी की वस्तु लेते नहीं है। इसीलिए नवपद की आराधना, ओडी की आराधना, इतनी इतनी तपश्चर्या, अमीर होता ही रहता है और इसीलिए अमीर खाते गांवों गांव खुलते रहते हैं। त्याग है एक बहुत बड़ी बात, पर उसी दूध को हम लोग जाके आर्स के पत्थर के ऊपर डाल देते हैं, बेचारा बछड़ा मरता है, मां रोती है, उसका हम वियोग कराते हैं। माँ बेटे का वियोग बच्चे को ले जाते हैं और उस बच्चे को उसका चमड़ी अच्छा उतारने के लिए जिंदा का जिंदी उतारते हैं और वो बछड़ा मर जाता है, उसका आयुष गया और माँ रोती रहती है। फिर इसको गर्भवती करने के लिए फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके 9 महीने में फिर गर्भित करती है। एक गाय, ये 25 वर्ष जीने वाली गाय 8 वर्ष में खलास हो जाती है। और आपको देखना है तो मैं डीवीडी लाया हूं, कैसे वो निकालते हैं वो आज इनके पास अभी है, किसी को देखना है अगर जो आपके पास या टीवी है तो आप देख सकते हैं कि दूध कैसा आता है। आज पहले के जमाने में तो घर में रखते थे, गाय को पालते थे, खेती में ले जाते थे, पर वो भी, पर आज तो इसीलिए जो कहा कि जो कुछ आप लो, जो कुछ आप खाओ वो सोच के करो, उद्धरित करो, बोलो सोच के बोलो। हमारी भाषा में किसी की निंदा नहीं, किसी का खराब नहीं, और कुछ कहेंगे तो प्रेम से कहेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम अपने को नुकसान नहीं करेंगे। हो सके तो करो भाई, न हो तो आपकी मर्जी। क्यों सब जो झूठा करते हैं, खराब करते हैं, अपने जोखिम से करते हैं, खुद को नुकसान करते हैं, हम खुद को नुकसान।
नुकसान नहीं करे। बस आज मुझे आपसे यही विनती करने हैं कि जो कुछ करो दूसरे तो करे तो करे, पर हम अपने को नुकसान नहीं करें और प्रत्येक बात को पूछ के करो कि बराबर है। ऐसा नहीं कि संप्रदाय ने कहा है, हमारे बाप दादा करते थे, धर्म करते थे, उन्होंने कुछ भी किया हो, पर मैं सोच के करूं। इसीलिए स्वाध्याय का अर्थ ये है। तो उत्तराखंड सूत्र में एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी आपने सब बात किया तो सब कुछ क्रिया करते हैं तो उसमें कर्म बंधन होता है, चलते हैं तो भी हिंसा होती है, बोलते हैं तो भी हवा के उसको बोलते हैं, कोई भी काम करता है जाते हैं तो हिंसा होती है। तो उसका एक बहुत सुंदर उत्तर दिया है, उत्तर उसका कहम चरे, शिष्य गुरु को पूछता है कहम चरे, मैं कैसे चलूं, कहम चित्ते, कैसे खड़े रहूं, कहम आसे, कैसे बैठूं, कहम चरे, कहम चित्ते, कहम आसे, कहम सहे, मैं कैसे सूं, कहम भुंजन तो, मैं कैसे खाऊं, भाषण तो कैसे बोलूं, पावम कम्मम न बंधई, मैं पाप और कर्म को बांधू नहीं, क्योंकि ये सब क्रिया करनी पड़ती है। कहम चरे, कहम चिट्टे, कहम आसे, कहम भाषे, कहम भुंजन तो, भाषण तो, पावम कम्मम न बंधई, मैं पाप कर्म न करूं। उसका उत्तर इतना सुंदर है, जयम चरे, देख के चलो, संभाल के चलो, धीरे से चलो, जया जयन, जयम चरे, जयना से करोगे आप कभी भी नहीं करोगे। उन्हें देखा हुआ था तो वो लाल पड़ा था तो उसको उठाने की जरूरत नहीं, क्यूरियोसिटी के क्या है तो लेने को गया तो थूक का गल्फा मिला। काम चले, आप चलते हो आपका ध्यान रहो, आप किसी के टकराव नहीं, चलो नहीं। बागेश्वर पर मैं एक दिन जा रहा था तो एक भाई आ रहे थे सामने से, मैं कहूं क्या छो तो कह 26 ने छा आना। मैंने पूछा 26 क्या छो तो कह 26 ने छा आना, सो मेरा बाजार में शेयर बाजार रुपए भाग जाता। अरे जो आ आ केम छो तो 26 ने सो पड़ गई आ सो चलता है सोचता है कि ठोकर लग जाए, गिर जाता, टकराता है। काम चरे, चलते वक्त जैना से करो, काम चिट्टे, जहां बैठते हो देखो कि कहां बैठता हो। अभी थोड़े दिन के पहले एक मिनिस्टर का बहुत सम्मान हुआ था तो वो आने वाले थे, उनको बैठने के लिए अच्छी चेयर बनाई थी, वहां पर उन्होंने वो माइक रखा था, वो आए आकर के बैठ गए तो माइक का जो उसका रखने स्टैंड था उसका खिला था उसको लगा तो वो लेक्चर देने के लिए उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा क्योंकि खून निकला, क्योंकि वो बैठने के लिए दिखा नहीं कि कहां मैं बैठता हूं। कहां चरे, कहां चिट्टे, कहां बैठना, कैसे खड़ा रहना, कहां आसे, कहां भुंजन तो, खाते वगैरह क्या खाता हूं, मेरे खुराक में कोई सामर्थ्य नहीं, किसी की हिंसा नहीं, किसी का अभिशाप नहीं, कोई अनिति की वस्तु नहीं, बस ऐसा मैं करा। और वो भी काम चरे, काम चिट्टे, काम आसे, काम भासे, काम भुंजन तो, बावन तो, पावम कम्मम न बंद गई, ये प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर आपते हैं, जयम चरे, जैना से चल, जैना से बैठ,
जयम चरे जयम चीते सयम आसे, बैठते वगैरह देख के बैठ, जयम भुंजन तो खाते वगैरह देखो कि मैं क्या खाता हूं, ये खुराक शुद्ध है कि नहीं, इसमें कोई हिस्सा तो नहीं है। इंग्लैंड का जो जॉर्ज था, जॉर्ज वो खाते वगैरह बात बात करता था, इसलिए हमारा नियम के खाते वगैरह बात नहीं करना, बस अन्न देव को मान देना, मौन से खाना, खाते वगैरह बोलना नहीं, बात बात नहीं करते। इंग्लैंड का जॉर्ज था, ब्रेकफास्ट में बैठा बात करता बस नॉन स्टॉप, तो खाते थे। इसमें उसकी ग्रैंड डॉटर ने कहा कि ग्रैंडपा, उसको कुछ कहना था, और जॉर्ज बड़ा कड़क आदमी था, उसने कहा डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी फिनिश माय टॉक, मेरी बात मुझे पूरी करने दो, चुप रहे। वो छोटी बच्ची चुप हो चुकी, बात हो गया। बाद में उस जॉर्ज ने पूछा कि व्हाट डू यू हैव टू से, क्या बोलना है। डैडी इन योर जैम देयर वाज अ कॉकरोच, वो तुम्हारा जैम है उसमें कॉकरोच था, तुमने तो बातों में बंद खा गए, देख के खाओ क्या खाते हो। जब आप दूध का घी खा लो, आप विचार करो, और इस दूध से और इससे हमारा शरीर इतना बढ़ गया था, हमने छोड़ दिया तो आज आनंद से, आज कोई रोग नहीं है कि चिंता नहीं, नए वर्ष में जीते हैं, क्योंकि हमने एक दुख का कारण जो घी दूध जो फैट करता है, कोलेस्ट्रॉल लाता है, जीवों की हिस्सा लाता है, छोड़ दिया। हमारे शरीर को हमारे मन को आनंद है, छोड़कर सीखो, हिम्मत रखो, क्योंकि सवाना चाह के भी हमारे चाह बिना हमारी रूह उड़ती है। चाह, अरे एक चाह के लिए तुम इतने पराधीन बन जाते हो, कितने तुम निर्बल आते हो पुरुषार्थ। तो इसीलिए उस समय से हमने सोच लिया कि भाई हमको जरूर नहीं छूट गया, न कोलेस्ट्रॉल न किसी की हिंसा, और ये बच्चे को बेचारे को दे जाता है, उसका आयुष खराब, पूरा जीने को नहीं देते हैं, गाय को जल्दी मर जाना पड़ता है। एक हमारा एक दूध, इसलिए आज जो व्याख्यानों के अंदर जाते हैं तो जब कोई एक ही साथ करे हैं तो बस क्या जीवन में हो सके, और शाम को जाए सोने को जाए तो कहो कि आज का दिन मुझे जमा किया है, करना है। तो मनमा हयामा प्रीत, सबके लिए प्रेम रखो, वित्त में सब भूवेशु वैरंग मज्जन के लिए सबसे आप मैत्री है, और किसी से वैर नहीं, मैत्री में सब भूवेशु एक बात तक, हयामा प्रीत।